नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, देखेंगे इन 72 आवर्स में उनकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। अगर वो एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा ये जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से लें और एनर्जी भी वाइज वर्षा होते रहते हैं इसका थोड़ा ख्याल रखिए और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि 72 घंटे के लिए आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हो सकता है। वर्गो चाहे आप रिश्ते में हो, चाहे कांटेक्ट में हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, कुछ भी आपकी रिश्ते की स्थिति हो, देख लेते हैं 72 घंटे में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है आपके लिए। देख लेते हैं वर्गो। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो बहुत ज्यादा मेहनती बंदा या बंदी है। हो सकता है इनके साथ, मैंने कार्ड बता देना है पहले, पेज ऑफ सोर्स 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर का कार्ड आया है। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा मेहनती बंदा या बंदी है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। इन 72 घंटे में इनका मेन जो फोकस रहेगा वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर रहेगा। हो सकता है इनको ये पता चल गया है कि पैसों की अहमियत जब तक ज्यादा नहीं होगी तब तक रिश्ते में उनका रूल्स नहीं चलेगा। ये अपनी तरीके से सोचने की कोशिश करेगा, ट्रेडिशनल तरीके से सोचेगा, अपने स्टेबिलिटी पर काम करेगा। माय वे इज द हाईवे टाइप की सोच इनकी रहेगी कि मुझे अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना है। साथ ही साथ ये इंतजार करेंगे आपके तरफ से कोई टेक्स्ट कॉल या मैसेज आ जाए। दूसरी बात यह है कि ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहेगा, बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो ये आपको ऑनलाइन बहुत अच्छी तरीके से स्टॉक करेगा। और एक बात है, ये जो पर्सन है ये इन दिनों बहुत ज्यादा अपना जो फोकस है ये अपनी स्टेबिलिटी पर लगा रहा है। इनको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए किसी भी तरीके से, जो भी पोस्ट को ये होल्ड करते हैं। मुझे लगता है ये कोई हायर अथॉरिटीज को होल्ड करता है, हायर पोस्ट को होल्ड करता है, लेकिन फिर भी ये चुप नहीं बैठेंगे। अपनी पावर को, पोजीशन को इनहेंस करने के लिए ये बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, पैसा कमाने के लिए, स्टेबिलिटी कमाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि जब तक ये अपनी स्टेबिलिटी को इनहेंस नहीं करेंगे तो वो किसी भी क्षेत्र में उतना अपना पावर को नहीं दिखा पाएंगे। साथ ही साथ अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन करेंगे, लेकिन छुप छुपा के ये आपको ऑनलाइन स्टॉक भी करेंगे और इंतजार करेगा कोई डिसीजन लेने का। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो यानी कन्या राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या रहेगा इन 72 घंटे में।
द स्ट्रेंथ, द हैंगमैन एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, कहीं ना कहीं आप में जो है वो हिम्मत आप रखोगे, जो भी स्थिति चल रहा है रिश्ते में, चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि आपका दिल टूटा हुआ है, आप दुखी हो, परेशान हो, तो आप अपने अंदर जो है वो इनर स्ट्रेंथ को आप इनहेंस करोगे, पावर लाओगे अपने अंदर, कुछ तरीके से आप स्टक रह सकते हो सकता है आप लोगों का रिश्ता जो है वो स्टकनेस में चला गया है किसी और की वजह से, या आप लोग खास करके कोई किसी और की वजह से रिश्ते में परेशानी आई है, या फिर किसी ने किसी को ह्यूमिलिएट किया है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करने की वजह से या किसी और की वजह से दिल टूटा हुआ है। आप अपने आप को रोक के रखोगे, अपने अंदर स्ट्रेंथ को आप इन्हेंस करोगे इन 72 घंटे में, जो भी पावर आप में है, इनर पावर जो आपका है, आप उसको इन्हेंस करोगे। कुछ ना हो, आप बार बार रिश्ते की जो स्थिति है उसे अपने तरफ से सोचोगे, दूसरों की नज़र से सोचोगे, घुमा घुमा के आपकी सोच जो है बार बार हर एक तरीके से आप रिश्ते की सोचने की कोशिश करोगे, रिश्ते को आप खुद से खुद को स्टक करके रखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये जो बंदा या बंदी है इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। ये 11-11 का कार्ड आया है, ये ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, कुछ भी हो जाए रिश्ता आपके साथ ही रहेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, कहीं घर खरीदना, कहीं प्रॉपर्टी खरीदना, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, और अपने तरीके से आपने बहुत सोच लिया है, अभी दूसरों के तरीके से रिश्ते को सोचने की कोशिश करेंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि मुझे सैक्रिफाइस करना चाहिए इस रिश्ते में, कभी कभी आपको लगेगा नहीं मुझे अपने पावर में रहना चाहिए। हो सकता है पहले आप किसी बात से बहुत ज़्यादा डरते थे, लेकिन अभी आपको डर नहीं लगेगा, डर के आगे जीत है, वो जो ड्यूक का ऐड आता है, आप उन चीज़ों को अपने अंदर लाने की कोशिश करोगे। अभी आप कमज़ोर नहीं पड़ोगे, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, अपने अंदर हिम्मत को आप इन्हेंस करोगे, आप अपनी इनर पावर को आप उसको भी इन्हेंस करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, खुद को आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट मानते हो, ऑनेस्टी आप में है भी है, क्योंकि इनमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी है, इन्फिनिटी भी है, और कहीं ना कहीं आप जो हो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल बंदा या बंदी हो, आप खुद को स्पिरिट के साथ कनेक्ट करता हुआ पाते हो, पाओगे भी, आपको लगेगा कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी हो रहा है, ये स्पिरिट की मर्जी है, यूनिवर्स की मर्जी है, और जो कुछ भी हो रहा है ये यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। इस सोच के साथ आप खुद को रोक के रखोगे इन 72 घंटे में, और आप में इस बात की बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा कि आपके साथ जिनका रिश्ता है वो रिश्ता ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, तो ये रिश्ता इतनी जल्दी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ये जन्मों का रिश्ता है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और इस रिश्ते में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी, इसकी बात भी आपको पता है, और आप जो है 72 घंटे में शादी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में आप सोचोगे, लेकिन रिश्ते में आप एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचोगे, खुद को स्टक करके रखोगे। इधर आपके पर्सन जो है वो भी मेहनत करेगा, पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे, खुद को ये अपने आप को रोक के रखेंगे, लेकिन चुप चुप के आपको ऑनलाइन स्टॉक भी करेगा या करेगी। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। वर्गो, आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है आपके पर्सन, कोई टॉरस वर्गो हो सकता है, वैसे बहुत सारे मेजर अर्कन के कार्ड आए हैं, 1, 2, 3 मेजर अर्कन के कार्ड आए हैं, तो 12 के 12 राशि में आ जाते हैं। मुझे लगता है ये बंदा या बंदी कुछ देर तक तो रोक के रखेंगे खुद को, फिर इनको लगेगा कि एक स्टेबल ऑफर के साथ ये आपके तरफ मिलने आ सकता है। कभी कभी इनको ये लगेगा कि हम रिश्तों को बैलेंस करेंगे, डेफिनेटली इसमें थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस है, चाहे आपके घर वाले हो, चाहे रिश्ता कोई और हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो,
लेकिन इन्होंने खुद को रोक के रखने की कोशिश तो करना ही करना है, लेकिन नहीं पाएंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पैंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। दुखी रहना, परेशान रहना, इनडिसाइसिव रहना, इग्नोरेंस फील करना इनको लगेगा, लेकिन कुछ भी करके ये रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है आपको स्टेबल ऑफर भी दे दे, इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कम से कम आपको एक स्टेबल लव ऑफर और एक स्टेबल फिनेंशियली स्टेबिलिटी ऑफर ये देने की कोशिश करेंगे। सबसे अहम बात जो है, फिनेंस को लेके कुछ नया ये जरूर सोचेंगे। इंतजार करेंगे कुछ डिसीजन लेने का, लेकिन बहुत जल्दी अगर ना भी हुआ, स्लोली बट श्योरली ये रिश्ते को सही करने के बारे में सोचेंगे, रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। एक स्टेबल ऑफर, फिनेंशियल स्टेबल ऑफर ये आपको दे सकता है, या फिर अपने लाइफ में कुछ नया करने के बारे में सोच सकता है। देख लेते हैं एंजल, सॉरी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वर्गो। फूल के कार्ड, मुझे लगता है आपको अपने लाइफ अपने तरीके से जीना चाहिए, जीरो से शुरुआत करनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो थोड़ा रुक जाइए। थोड़ी कोई अगर आपको रोक टोक रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा उसकी बात थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा खुद को रोक के रखिए। हाँ, अपने लिए जीना, अपने लिए सोचना, ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप को आप तैयार कीजिए, खुद को ग्रूमिंग कीजिए, अपने बारे में सोचिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। कहीं घूमने फिरने जा सकते हो, कहीं एडवेंचर करने आप जा सकते हो। अपने लाइफ को आप अपने तरीके से जीने के बारे में सोचिए, खुद का ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके अपने तरीके से अपने आप को संभालिए। कोई बड़े बुजुर्ग अगर आपसे कुछ कह रहा है, तो उस बात को सुनने की कोशिश कीजिए। अपने सोच को थोड़ी सी लगाम दीजिए, बहुत ज्यादा मतलब फ्रीडम पाने की कोशिश ना करें, थोड़ी सी खुद को संभाल लें। और जैसे आप चल रहे हो, अच्छे हो, सही तरीके से आप अपने आप को रख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।